हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर में आपका जो पेपर वन है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, वो स्टार्ट किया गया था, काफ़ी लेक्चर भी हुए हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के टर्म में नेक्स्ट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ इशू हो गए थे जिसकी वजह से आपके कंटिन्यू लेक्चर नहीं आए थे, लेकिन अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, यूनिट फर्स्ट जो आपका है रैंक ऑफ मैट्रिसेस एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बहुत कुछ पिछले लेक्चर में हमने LI और LD आप मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया था, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट के बारे में हम डिस्कस किए थे। किसी मैट्रिस का कैसे LI LD चेक करते हैं, उसका रैंक कैसे फाइंड करते हैं उसके थ्रू, तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ LI रो मैट्रिसेस इज LI। कह रहा है कि एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो मैट्रिसेस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ, मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिस है, उसका रो क्या है LI है, उसका रो क्या है LI है, रो LI कैसे चेक करते हैं LI डिस्कस हम कर चुके हैं, LI है, तो उसका सबसेट जो भी बनेगा वो भी क्या होगा LI होगा। LI चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई स्केलर से उसका लीनियर कम्बिनेशन लेके उसको जीरो के इक्वल करते हैं। अगर जो स्केलर आप A1 A2 और AI चूज कर रहे हैं, अगर वो जीरो हो जाता है तो वो आपका मैट्रिसेस जो है LI हो जाएगा। अगर वो जीरो नहीं होता है, चाहे एक भी जीरो नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगा LD हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा गया, एक आपके प्रॉपर्टी का आगे कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर लेट R1 R2 RS हमने क्या लिया, एक मैट्रिक्स हमने लिया जिसमें यस रो हैं, क्या है यस रो हैं, उसका एक सेट हमने लिया, एक मैट्रिक्स का हमने एक सेट लिया जिसमें R1 R2 R3 R4 RS रो उसके अंदर हैं। ठीक है, कंसीडर हमने कर लिया एक मैट्रिक्स बी अ सबसेट ऑफ LI। यहाँ LI का मीनिंग क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाँ, तो आप इसको समझ जाइएगा किसका मीनिंग क्या है। तो बी अ सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट R1 R2 RS RS प्लस 1 एंड T। अब हमने क्या किया, एक हमने मैट्रिक्स लिया जिसका रो क्या है यस रो है, और दूसरा एक हमने एक रो लिया जिसमें टी इसमें क्या था यस से बड़ा, यस से ज़्यादा, माने R1 R2 R3 RS RS प्लस 1 ऐसे ही टी तक टी रो उसके अंदर है, तो उसका क्या है ये देखिए, इसमें यस रो है इसमें टी रो है, तो ये जो यस रो है इसका सबसेट है। आप देख सकते हैं R1 R2 RS तक ही एलिमेंट है, इसमें क्या है R1 R2 RS RS प्लस 1 RS प्लस 2 ऐसे ही RT तक है, तो उसका हमने एक सबसेट ले लिया LI सेट ऑफ दिस ऑफ रो मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। हम कह रहे हैं कि लेट मान लेते हैं, मान के चलेंगे कि ये LI नहीं होगा और कंट्राडिक्शन दिखा दिया जाएगा तो ये LI हो जाएगा, तो जो ये R1 R2 RS है उसको मान लें कि वो LI नहीं है। LI नहीं है इसका मतलब क्या है कि जो भी उसका स्केलर होगा, मतलब प्रोडक्ट करते थे ना स्केलर से A1 R1 प्लस A1 A2 R2 आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसको जीरो के इक्वल किया था, तो अगर वो LI नहीं है तो क्या होगा उसका जो LI नहीं है तो उसके स्केलर क्या होंगे जीरो नहीं होंगे। ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट स्केलर, सेम वही जो हमने बोला वही मीनिंग है, देयर एग्जिस्ट स्केलर A1 A2 AS नॉट आल जीरो। अगर ये RS जो RS मैट्रिक्स है इसमें RS रो है, अगर वो LI नहीं है तो जो उसके स्केलर आप चूज कर रहे हैं वो जीरो नहीं होंगे। सच दैट A1 R1 प्लस A2 R2 एंड डॉट 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 AS RS इसका टू Z हमारा क्या है एक जीरो रो है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब इसका लीनियर कम्बिनेशन लिख दिया हमने, इसका मतलब क्या है कि ये जो A1 A2 AS है ये क्या है हमारा जीरो नहीं होगा क्योंकि RS तक ये LI नहीं है, तो हमने इसका सबसेट है इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिखा। इसका मतलब क्या है A1 R1 A2 R2 AS RS, ठीक है, और बाकी के बाद ये जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है LI है, तो इसके आगे का जो टर्म होगा मतलब इसका कोफिशिएंट जो स्केलर होगा वो जीरो होगा क्योंकि आपको पता है यहाँ पर दिया माने हमने किया था कि LI सबसेट माना था,
तो आर वन आर टू आर एस आर एस प्लस वन आर टी ये क्या है, अलाई है, हाँ, और इसका सब्सेट है। तो इसमें ए वन ए टू ए एस क्या होगा, जीरो नहीं होगा, बाकी कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। वे आर नॉट ए आई आर जीरो, देयरफॉर द सेट आर वन आर टू आर एस आर एस प्लस वन आर टी इज नॉट अलाई। क्यों नहीं अलाई होगा, क्योंकि इसके सारे कोएफिशिएंट जो है स्केलर जो है जीरो नहीं है, ए वन ए टू ए एस जीरो नहीं है, क्योंकि हमने कंसिडर किया था वो अलाई नहीं है। तो जब ये आपका अलाई नहीं होगा तो कंट्राडिक्शन हो गया, इज नॉट अलाई और कंट्राडिक्शन, हेंस सबसेट मस्ट बी अलाई। मतलब कोई भी अलाई सेट है आपके पास किसी मैट्रिक्स का, उसका सबसेट जो है उसको भी अलाई होना पड़ेगा, अगर ये अलाई है तो, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो। समझ में आ गया ना, मतलब आर वन आर टू आर एस हमने कहा था कि ये अलाई नहीं होगा, लेकिन ये अलाई है, हाँ। तो ये कब अलाई होगा, जब ये इसका सबसेट जो बन रहा है इसको भी अलाई होना पड़ेगा। तो यही बोला गया थ्योरम में, एवरी सबसेट ऑफ अलाई रो मैट्रिसेस इज अलाई। अगर हमारे पास कोई रो मैट्रिसेस का सेट है जो अलाई है, उसका सबसेट भी क्या हो जाएगा, वो अलाई होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, आइए हम देखते हैं सेकंड पार्ट देखते हैं, जो सेकंड है वो सेकंड क्या है हमारे प्रॉपर्टी, एवरी सेट ऑफ रो मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कंटेनिंग अ लीनियरली, एलडी का मतलब यहाँ पे क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। कह रहा है एवरी सेट ऑफ रो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या चाहिए, सेम, कंटेनिंग अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। कैसे हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, लेट आर वन आर टू आर एस, एक हमने क्या ले लिया, एक रो मैट्रिक्स ले लिया जिसके अंदर क्या है, यस रो है पी या एल डी, मतलब ये एल डी, एल डी मतलब लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट का मतलब जो भी स्केलर ए वन ए टू ए एस होगा वो जीरो नहीं होगा, मतलब कम से कम एक जीरो नहीं होगा। सेट कंटेन, अभी कहाँ एल डी है, कहाँ कंटेन कर रहा है, दूसरे एक इसके जो एल डी सेट है आर वन आर टू आर एस आर एस प्लस वन एंड आर टी बी गेट स्केलर ए वन ए टू नॉट आल जीरो सच डेट, अगर इसका सबसेट है ये और ये एल डी है तो जो भी कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे, क्लियर है एकदम। अब इसका हमने क्या ले लिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए वन आर वन प्लस ए टू आर टू एंड सो एन ए एस आर एस इसका टू जेड, हाँ, कम से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सब जीरो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो R1, फिर नेक्स्ट इसमें हमने लीनियर कंबिनेशन लिख दिया यहाँ पर R1 A1 R1 A2 R2 एंड AS RS, तो ये जो आपका होगा, ये जो R1 R2 RS लिए LD है तो क्लियर है A1 A2 AS क्या होगा हमारा, ये जीरो नहीं होगा, हाँ। बाकी जो ये हमारा है जीरो इंटू आर एस प्लस वन एंड जीरो इंटू आपका हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू जीरो, वेयर सम ऑफ द स्केलर A1 A2 AS आर नॉन जीरो, हाँ, क्योंकि ये एल डी है और क्या कर रहा है, किसी सेट में कंटेन कर रहा है, हाँ, कंटेन कर रहा है, ठीक है। ये नहीं बोला गया था ये एल डी है कि एल आई, ये कुछ नहीं बोला गया, तो ये क्यों बोला गया है, तो ये इसका सबसेट है, इसको हम चेक करते हैं क्या ये क्या बनेगा, एल डी बनेगा कि एल आई बनेगा। लेकिन इतना पता है कि ये हमारा एल डी है तो इसके स्केलर जो होंगे वो जीरो नहीं होंगे, सम स्केलर ए वन ए टू एस आर नॉन जीरो। क्यों बोला गया है नहीं जीरो है, क्योंकि ए वन ए आर वन आर टू आर एस क्या है हमारा एल डी है, तो उसका कोएफिशिएंट भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। हेंस द सेट आर वन आर टू आर एस आर एस प्लस वन आर टी इज एल डी। ऑब्वियस है कि जब ये इसका सबसेट है और ये ही एल डी है तो ये भी जो आपका आर टी रो का मैट्रिक्स बनेगा ये भी क्या होगा, एल डी ही होगा। इसलिए बोला गया एवरी सेट ऑफ रो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होती है, सेम, कंटेनिंग अ एलडी सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब ये इसका अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये हमारा कोई एलडी है, एलडी सेट है, रो मैट्रिक्स है, अगर ये किसी का सबसेट बनता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एलडी ही होगा। यही हमारा क्या था, प्रॉपर्टी था, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहा जा रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी कह रहा है अ नॉन जीरो सिंगलटन रो मैट्रिक्स
आर इज एलाई, कोई भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, सिंगल आपको एक रो का चेक करना है कि वो एलाई है कि एलडी है, तो क्लियर है क्या होगा, वो एलाई होगा। फॉर रो इज नॉट इक्वल टू जीरो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर और ए सच डेट ए इज इक्वल टू आर, मतलब एक ही रो है तो एक ही स्केलर आपको लेना पड़ेगा, वो है ए इंटू आर इक्वल टू जेड। जेड हमारा क्या है, जीरो एक मैट्रिक्स है जो रो मैट्रिक्स है, जीरो रो मैट्रिक्स है, ठीक है। देन ए इज नेसेसरी जीरो हेंस सिंगलटन आर इज एलाई, ये क्लियर है कि जो भी आप स्केलर ये यूज करेंगे, हाँ स्केलर ये, वो क्या हो जाएगा, क्या होगा जब ये जीरो के इक्वल है, मान लीजिए जीरो के इक्वल है, तो क्लियर है कि अगर हमारा ए है स्केलर है वो जीरो होना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि आर रो आर वन रो तो जीरो होगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा अगर कहीं भी सिंगल एक रो दिया है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो एलआई है कि एलडी है, तो डायरेक्टली आपका दिस प्रॉपर्टी वो एलआई होगा, क्योंकि लीनियर कंबिनेशन लेंगे तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, एनी सेट ऑफ रो मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर कंटेनिंग जीरो मैट्रिक्स इज नेसेसरी डिपेंडेंट, क्या कह रहा है, एनी सेट ऑफ रो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर हाँ कंटेनिंग जीरो मैट्रिक्स इज नेसेसरी डिपेंडेंट फॉर दिस। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके अंदर क्या जीरो मैट्रिक्स है, इंक्लूड है जीरो मैट्रिक्स, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा क्या आर वन आर टू आर के मैट्रिक्स है, जेड हमारा क्या है जीरो मैट्रिक्स है, वी हैव, तो हम देखेंगे कि जो स्केलर होगा वो क्या होगा आपका, ये वन स्केलर इज नॉन जीरो, जो आपका जीरो मैट्रिक्स होगा हाँ तो वो तो जीरो मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई रो ये हो गया आपका, कोई भी आपका कोफिशिएंट स्केलर लेंगे यहाँ पर तो ये क्या होगा जीरो नहीं होगा, बाकी क्यों ऑलरेडी ये जीरो है हाँ, तो ये स्केलर जो से मल्टीपल होगा वो जीरो नहीं होगा। तो जीरो इंटू आर वन, जीरो इंटू आर टू, जीरो इंटू आर के रो एंड वन इंटू जीरो मैट्रिक्स इसकल टू जीरो। अगर कोई जीरो मैट्रिक्स जीरो रो कंटेन कर रहा है किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो कम से कम एक स्केलर जो उसका होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, यही प्रॉपर्टी बोला जा रहा है। और अब तक आपने जितनी चार प्रॉपर्टी पढ़ी हैं वो आपने रो के लिए पढ़ा, वो सारी प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी क्या है, वैलिड है। यानी जहां आपने आपसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो सेम पैटर्न पे आपको करना है, बस जहां रो आपने लिखा है आर वन आर टू को सी वन सी टू कोई और वेरिएबल चेंज कर दीजिएगा। इस तरह से इजिली आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत मोस्ट ये सारी जो भी प्रॉपर्टी आपने अभी देखा वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वीडियो स्टॉप करके इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और आगे नेक्स्ट डिविजन वगैरह देखेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।